हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल पॉलिश क्रिएशंस। कैसे हैं आप सब? मैं तो ठीक ठाक हूँ, अभी ठीक ठाक हूँ जब मैं ये वॉइस दे रही हूँ, मगर ये वीडियो दो दिन का पहले है, मैं एडिट नहीं कर पाई, यही सच बात है। आज मैं एडिट करके दे रही हूँ, मगर उस दिन मैं उतना ठीक नहीं थी, क्योंकि मेरा जो काम वाली दीदी है ना, वो बहुत एब्सेंट कर रही है उसका बेटे का तबीयत को लेकर, तो मेरा हालत बिल्कुल ख़राब थी तब, क्योंकि घर के सारे जो काम काज है मुझे करना पड़ रहा है और बहुत ही ख़राब सिचुएशन है, एवरीथिंग मुझे करना पड़ रहा है। और अभी तो वेदर भी उतना अच्छा नहीं है, बारिश का मौसम है, बारिश चल रहा है, तो चारों ओर ऐसे धूप होता तो अच्छा लगता है, सब कुछ सूखा सूखा रहता है, बहुत ही अच्छा लगता है फीलिंग्स। मगर जब बारिश होता है, ठंड हो जाता है, वो भी एक अच्छा लगता है, मगर चारों ओर इतना ख़राब हो जाता है ना, वेटी वेटी वेदर, कपड़ा सूखता नहीं है, ऐसा कुछ हो जाता है, तो ये सब को लेकर चल रहा है। और उस पर जो मेरा काम वाली दीदी है वो एब्सेंट कर रही है, तो अब सोचो क्या बीत रही है मुझ पर। अभी ये सारे काम काज मुझे करना पड़ा, ये तो जो डस्टिंग का काम है ना, मैं तो एवरीडे का काम है, ये तो करती हूँ, मगर ऊपर में जो है ना बर्तन वगैरह सब साफ सफाई, बहुत दिक्कत वाली काम है। और जो हाउस वाइफ है ना, सबको पता है, सुबह नींद से जागने के बाद और बिस्तर में जाने से पहले तक कोई रेस्ट वगैरह कुछ नहीं होता है, वो काम काम काम, बाप रे बाप। और हम लोगों का काम का तो कोई रिटर्न नहीं है, और हम लोग तो कुछ भी नहीं करती हूँ, घर में बैठे बैठे रहती हूँ, खाती हूँ पीती हूँ, बस मौज मस्ती में सब कुछ हो जाता है ऐसे ही, तो सबका तो यही है, यही सोच है, जो बाहर जाते हैं वो लोग ही काम करते हैं, और हम लोग तो घर बैठे बैठे खाती हूँ, बस यूं ही चलता है। तो जो ये होम को या घर को इतना अच्छा से सच क्लीन करके सब कुछ मेंटेन करके रखना पड़ता है, इसका कोई वैल्यू उतना तो है नहीं, ये तो नॉर्मल थिंग्स है। मगर एक दिन अगर आप मतलब हम लोग बाहर जाए ना, तब तो समझ में आ जाता है कि कितने ये लोगों को ना, कितना क्या बोलूँ जी, कितना कुछ कर पाते हैं ये लोग। फ़ोन मेरा तो ऐसा ही होता है, फ़ोन के ऊपर फ़ोन आ जाता है, तुम कब घर आओगे, क्योंकि थोड़ी ही काम के लिए अगर मैं बाहर गई तो मेरे घर का हालत बिल्कुल ख़राब हो जाता है। और जब मैं लौटती हूँ ना, बाप रे बाप, वो देखने वाले लायक होता है। मेरे घर में बहुत स्ट्रे डॉग्स है, मेरा घर का पेट है, मेरा बच्चा है, तो सब ऐसे आके मुझे पकड़ लेता है ना, तो वो जो फीलिंग्स होता है ना, मुझे बहुत अच्छा लगता है। क्योंकि जब बाहर से मैं लौटती हूँ ना, तो मुझे यूं ही लगता है कि सच में ये बच्चे लोगों को छोड़ के मैं कभी कहीं पर जाके भी मुझे अच्छा नहीं लगेगा, शांति नहीं मिलेगा। तो यही है, घर घर में तो एक बॉन्डिंग होता है सबके साथ, जो फीलिंग्स होता है वो कहाँ पर, कहीं पर नहीं। अब जितना अच्छी जगह पे जाओ, क्योंकि आपको शांति तो घर में ही मिलता है, तो जितना भी काम हो ना, वो तो कर लेते हैं, थोड़ा प्रेशर भी हो जाता है, मगर लड़ाई भी हो जाता है काम को लेकर। और जब वो काम वाली दीदी आएगी ना, मुझे तो इतना लग रहा है कि मैं क्या क्या बोलूँगी, मगर वो जब सामने आएगी मैं कुछ नहीं बोल पाऊँगी, यही है सच, क्योंकि बार बार यही होता है, गुस्से में मैं बहुत कुछ अपने आप भी बोल लेती हूँ, मगर जब सामने आता है तब मैं कुछ नहीं बोल पाती, मैं चुप हो जाती हूँ, तो मेरा यही नेचर है। तो अभी चल रहा है घर में ना, आज क्या हुआ, इलेक्ट्रिक का थोड़ा काम हुआ, इसलिए इतना सारा वो वॉल को थोड़ा होल करना पड़ा, इसलिए थोड़ा वो डस्ट निकला है ज़्यादा, तो यही है चल रहा है अभी। तो फ्रेंड्स, आज का छोटा सा एक वीडियो मैं क्लीनिंग पर किया, तो आज का वीडियो यहीं पर एंड करती हूँ, फिर मिलते हैं नेक्स्ट कोई अच्छा वाला वीडियो के साथ, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।